हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आपके पास लगभग 25,000 रुपये हैं और इतने में ही आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं, तो हम इस वीडियो में आपके लिए ऐसे पांच मोबाइल फ़ोन लेकर आए हैं जिनकी कीमत 25,000 के नीचे है और ये अच्छे मोबाइल फ़ोन की लिस्ट में आते हैं। हम आपको बता दें कि पहले हम 5 से 10 अलग अलग मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन एंड फीचर चेक करते हैं, फिर जो मोबाइल सही में अच्छे होते हैं केवल वही मोबाइल फ़ोन आपको बताते हैं। सो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, हम नंबर 5 से नंबर 1 की तरफ चलेंगे और नंबर 1 में जो मोबाइल फ़ोन है वही सही में नंबर 1 का ही मोबाइल फ़ोन है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 में आता है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो F21 Pro 4G। तो ये एक 4G मोबाइल फ़ोन है। इसकी डिस्प्ले है 6.43 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। बाकी प्रोसेसर इसमें HD यानी कि स्नैपड्रैगन 680G 6 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाएगा एंड इसी के साथ आपको रिफ्रेश रेट 120Hz का मिल जाएगा देखने को। बाकी कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलेगा आपको एंड सिंगल स्पीकर्स मिलेंगे यानी कि ऑडियो के लिए यदि आप म्यूजिक वगैरह सुनते हैं ज़्यादा लाउड में तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर मिलेगा, डबल स्पीकर नहीं है। बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बढ़िया बैटरी है और 33W का चार्जर है और एंड टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसकी कीमत है 22,999 रुपये। फिर नंबर 4 की बात करें जो कि हमारी लिस्ट में आता है नंबर 4 में, तो IQ Z6 Pro 5G। तो यहाँ पर डिस्प्ले है इसकी 6.58 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है और अमोलेड डिस्प्ले नहीं है याद रखना एंड प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 778G ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये भी एक गेमिंग प्रोसेसर है, आपको अच्छा खासा गेमिंग परफॉर्मेंस देगा। बाकी इसमें रिफ्रेश रेट की बात करें तो 90Hz का यानी कि 90Hz का रिफ्रेश रेट है और मेन कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। वही सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का कैमरा है एंड ऑडियो की बात करें तो इस फ़ोन में भी आपको सिंगल स्पीकर ही मिलेंगे देखने को। बाकी बैटरी आपको मिल जाएगी 47 mAh की और इसी के साथ आपको 6-7 वाट का चार्जर मिल जाएगा यानी कि 67 वाट का चार्जर मिल जाएगा टाइप सी के सपोर्ट के साथ। और बात करें प्राइस की तो यहाँ पर आपको 23,999 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगी। अब हमारी लिस्ट में आता है तीसरे नंबर में वीवो की तरफ से आने वाला न्यू स्मार्टफोन Vivo T1 Pro 5G जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है। डिस्प्ले की बात करें इस फ़ोन की तो यहाँ पर 6.44 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलेगी एंड प्रोसेसर की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन 778G 6 नैनोमीटर ऑक्टा कोर चिपसेट दिया जा रहा है और यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट है। एक चीज़ में कमी आ जाती है जो कि रिफ्रेश रेट है, ठीक है ना। बाकी बात करें मेन कैमरा की तो यहाँ 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और सेल्फी कैमरा की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है एंड सिंगल स्पीकर देखने को मिलेंगे यदि आप म्यूजिक सुनते हैं, बाकी लाउड हैं, अच्छे हैं। और बैटरी की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी है और 66W का चार्जर है, टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड प्राइस है इसकी भी 23,999। और अब बात करते हैं नंबर 2 में आने वाली जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 2 में है गैलेक्सी M53 5G। इस फ़ोन की यदि हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज की तो यहाँ पर 6.7 इंच की फुल HD प्लस सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिल रही है एंड प्रोसेसर की बात करें तो मीडिया टेक का डायमेंसिटी 900 6 नैनोमीटर ऑक्टा कोर प्रोसेसर जो कि काफ़ी तगड़ा है, एक गेमिंग प्रोसेसर है और इसी के साथ आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। यानी कि ये बढ़िया मोबाइल फ़ोन है और यदि आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा ये और यदि आप गेमिंग करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। और अब बात करते हैं इसके मेन कैमरा की, यहाँ पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा एंड सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा जो कि काफ़ी तगड़ी बात है। और ऑडियो की बात करें तो ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको देखने को मिलते हैं। और बट इसमें बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 25W का चार्जर मिलता है टाइप सी सपोर्ट के साथ। बाकी इसकी भी कीमत है 23,999। सो दोस्तों, ये फ़ोन नंबर 1 में आ सकता था बट नहीं आया है क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है। अब इसमें 2,000 रुपये प्राइस का अंतर है जो कि नंबर 1 में लिस्ट में आता है, वो है Redmi Note 11 Pro Plus। अब दोस्तों, गैलेक्सी M53 5G में
जो फीचर्स हैं वही फीचर्स रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में भी हैं, बट इसकी प्राइस है 20,999 यानी कि 21,000 रुपये, और गैलेक्सी M53 की प्राइस है 24,000 के आसपास। तो दोस्तों प्राइस में काफ़ी अंतर है, सो इसी की वजह से दोस्तों हमारा रेडमी नोट 11 प्रो प्लस आ जाता है नंबर एक में, बाकी फीचर्स गैलेक्सी M53 5G में एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। और बात करें बैटरी की, इसमें यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी आती है और यहाँ पर 6-7 वाट का चार्जर आता है, यानी कि 67 वाट का सुपर चार्जर आता है टाइप सी सपोर्ट के साथ। वहीं गैलेक्सी M53 में 25 वाट का ही चार्जर आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जितने भी मोबाइल फ़ोन बताए हैं इन पांचों मोबाइल फ़ोन के ऊपर अलग से वीडियो बनाया है, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।